नमस्कार दोस्तों, मैं अमर राउत और आज हम देखने वाले हैं कि गूगल क्रोम जो कि एंड्रॉयड का सबसे अच्छा और बेहतरीन ब्राउज़र है, उसमें क्या क्या टिप्स आपको देखने को मिलती है। तो इसमें हम टोटल 11 टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपकी काफ़ी फायदेमंद होगी। तो देखते रहिए वीडियो। पहला जो है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये है गूगल क्रोम। तो ये देखिए, पहला क्या है कि स्वाइप थ्रू टैब्स, और क्या है कि जो ऊपर आपको एड्रेस बार दिखता है यहाँ पे ऊपर, तो सिर्फ आप उसको राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करेंगे तो आपकी टैब चेंज होगी। यानी कि आपको ये टैब बटन दबा के नीचे जाने का जाने की ज़रूरत नहीं है, यह ऐसा आप टैब से भी कर सकते हैं। दूसरा है फ्लैग्स। इसमें बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, क्रोम टाइप करना है। क्रोम मैंने जैसा एड्रेस दिया है वैसे ही आप इसको टाइप कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल कैनवास फीचर है, 2D कैनवास है, और उसके बाद स्मूथ स्क्रॉलिंग है, ऐसे बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं। फास्ट टैब विंडो क्लोज है जो कि आप PC में इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका सेटिंग में, अगर आप जाएंगे क्यों डाटा सेवर, एक आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है डाटा सेवर, जो कि हम बहुत पढ़ते हैं कि डाटा सेवर क्या है क्या है, लेकिन डाटा सेवर का ऐसा ऑप्शन नहीं किया। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी पेज सर्च करते हो तो वो क्या होता है, वो सर्च गूगल सर्वर्स के थ्रू आपको सर्च दिखाता है। उसमें क्या होता है, तो वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके उसका डाटा रिड्यूस करके आपको वो दिखाता है। इससे क्या होता है, आपका डाटा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो तीसरा इसके बाद आता है कि डायनासोर गेम है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल के देखती है तो हमने क्या किया है, अभी ने इंटरनेट बंद कर दिया है। तो अगर हम कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे, समझो google.com है, तो ऐसा नहीं है, मतलब आप बाहर है कहीं और आपको बोर हो रहा है और आपने सर्च किया गूगल या कुछ टाइप करने के लिए गूगल सर्च किया लेकिन नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा दिखाएगा यू आर ऑफलाइन। तो आपको टाइम पास के लिए क्या होगा, गेम तो है ही, लेकिन एकदम एक टाइम पास के लिए गेम आपको ये डायनासोर का गेम ऐसा आपको खेलने को मिलेगा। ये देखिए, ओप्स, चलो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है ऐड टू होम स्क्रीन। तो ये देखिए, समझो हमने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन की है, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। अभी हमको हर बार ये टैब क्लोज करेंगे और फिर कुछ हमको सर्च करना है, और हमारे पास ऐप नहीं है जो कि बहुत डाटा खाता है, तो इसको क्या करना है हमको, तो ये वेबसाइट हम यूज़ करेंगे, मोबाइल वेबसाइट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसको हमको समझो हर बार यूज़ करना है, तो हर टाइम हम तो ये नहीं कर सकते ना टाइप करके, हर बार फ्लिपकार्ट टाइप करके ओके करेंगे। तो इसको क्या है, एक ऑप्शन है राइट साइड में, तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट के ऊपर का, जो कि है ऐड टू होम स्क्रीन। अगर हम ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको दिखाएगा फेसबुक लाइट, इसको आप अगर स्क्रीन पे ऐड करते हैं तो वो आपको इस तरह ये दिखाई देगा। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो पूरा आपको एक ऐप का व्यू देगा। तो चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे तो इसको हमें क्लोज करना है, तो डायरेक्ट हमको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम के ब्राउज़र में। यहाँ पे हम अगर इसको क्लोज करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम समझिए गूगल का ये अभी हमारे टैब हो गए 99। अगर इसको हम क्लिक करके एक नया टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्माइली का एक आया है, तो हम समझेंगे कि 100 के ऊपर अगर टैब होगी तो यहाँ पे 100 का डिजिट नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट
टिप की तरफ। तो इसमें एक सेटिंग के बटन में जाएंगे तो आपको इसके इनको न्यू इकोग्निटो टैब इसमें मिलेगा, जो कि अगर आपको कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कुछ प्राइवेट आपको सर्च करना है या जिसका आपको लगता है कि कोई हैक कर लेगा ऐसी कोई आपको है, तो आप इनकोग्निटो टैब यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो तो ये आपको पूरी प्राइवेसी इसमें देगा। तो फिलहाल हम इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सेव पासवर्ड। देखिए आपके जितने भी पासवर्ड है वो यहाँ पे पूरे शो करेंगे, तो इसको भी आप सेटिंग में जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। इसमें क्या है, देखिए आप फॉन्ट भी इसका छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, हम देखेंगे अभी। समझो अभी मैंने मेरा YouTube चैनल सर्च किया, ओके ये ऐसा आ गया है यहाँ पे। अगर हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी, उसमें अगर फॉन्ट हम बढ़ाएंगे और बैक आएंगे तो ये देखिए इसके फॉन्ट बड़े बड़े आ गए। चलो इसको हम कम कर लेते हैं। ये देखिए इसका फॉन्ट छोटा हो गया है। इसके बाद सेटिंग में ही ये देखिए एक्सेसिबिलिटी में फोर्स इनेबल जूम होता है, इसका क्या है हम देखेंगे। अभी क्या है, मैं जूम कर रहा हूँ दोनों हाथों से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। देखिए आप अगर देख सकेंगे तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, फोर्स जूम इनेबल करना है। तो इसको मैंने राइट किया, फिर बैक आया तो ये देखिए मुझे जितना चाहिए उतना इसको मैं जूम कर सकता हूँ, देखा। ओके तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ती है, जो कि सबसे बढ़िया मुझे लगती है, क्योंकि ये देखिए मैं अभी यूट्यूब पे जाऊँगा। ओके ये देखिए यूट्यूब की वेबसाइट पे गया और यहाँ पे मुझे ये समझो एक आधा वीडियो प्ले करना है। हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग वीडियोस कौन से हैं, तो ये हमने प्ले किया है होली का। अभी ये वीडियो प्ले किया है लेकिन क्या है, हमारे देश में होली का दहन का पर्व बड़े धूमधाम, लेकिन मुझे ये सिर्फ सुनना है, अभी इसमें देखने जैसा कुछ हमारे होली का दहन इसमें देखने वाला देखने जैसा कुछ नहीं ऐसा मुझे अगर लग रहा है। मानवता की सुख समृद्धि तथा कष्ट निवारण के लिए इसका महत्व, इसको पॉज करूंगा और इसको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे मैं देखूंगा। अभी आगे देखेंगे कि जैसे डेस्कटॉप साइट पे ये बड़ा कि मुझे दिख रहा है। ओके मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा। हमारे देश में होली का दहन का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा प्ले हो गया मंत्र सिद्धि के लिए हमारे होली का दहन की रात्रि दीपावली जन्माष्टमी की तरह महत्वपूर्ण मुझे है। देखने का मानवता की सुख समृद्धि इसमें देखने जैसा कुछ नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। तो सीधा मैं इसको एग्जिट करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में अगर देखेंगे तो होली के दिन अपना ये उपाय अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है, अगर देखेंगे होली के दिन अपना ये उपाय होगी धन वर्षा और हर बीमारी ग्रह क्लेश खत्म। ओके तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन बार में से प्ले करना है। कम नहीं है इस दिन का लाभ हम चार मैं यहाँ से तरीके से उठा सकते हैं। मैंने चार तरीकों को बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो सुनते सुनते भी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे